चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई का जो न्यू सिलेबस आया है 2021-22 का क्लास 12 मैथ्स का, उसी के ऊपर ये आज का वीडियो है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या नया है, आप लोगों को करना क्या है कि ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, तो आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा। आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि सभी बच्चे सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं करना है, कौन सा एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं करने हैं, कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने हैं, मिसलिनियस का कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है आपको, या एक्सरसाइज छोड़ना है या मिसलिनियस के क्वेश्चन छोड़ना है, तो आप लोग के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करके फिर आप लोग को रिविजन का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि इस बार गवर्नमेंट ने क्या करा है, एग्जामिनेशन को दो भागों में बांट दिया है। पहला टर्म वन होगा, दूसरा टर्म टू होगा। टर्म वन में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, इस पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मेंस एडवांस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सभी बच्चे क्या सोचते हैं कि लाइक अच्छा एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होगा, तो एग्जाम टफ होगा, या हम लोगों को लाइक मेंस एडवांस की तरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, आप लोग को जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसी पे बेस्ड जो है, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखोगे बोर्ड लेवल पे, उसी में बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी गवर्नमेंट रिलीज भी करेगा, ठीक है, तो आप लोग को वो सारी चीजें बारीकी से देखनी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह का एमसीक्यू आप लोग को करना है, तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। एनसीईआरटी बुक आप लोग ओपन कर लो, ठीक है, और आप लोग टिक करते हुए जाओ। तो देखिए आपके स्क्रीन में ये दिख रहा होगा, टर्म वन 40 मार्क्स का है, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। उसके बाद सिलेबस जो मैंने ये आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ एज पर द एनसीईआरटी, ठीक है। तो चैप्टर वन आप लोग का जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, सिलेबस से बाहर क्या चला गया है। कंपोजिट फंक्शन नहीं करना है ये टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं करना है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना है इस चैप्टर में से। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक आप लोग खोल लो, ठीक है, अब एग्जाम्पल में चले जाओ। चैप्टर वन का एग्जाम्पल में चले जाने से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर मैं पहले लेता हूँ 17 से 28 तक आप लोग को नहीं करना है, 29 से 40 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 45-49 आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों को नहीं करना है, 1.4 आप लोगों को नहीं करना है। मिसलिनियस में आ जाओ, 1, 2, 3 नहीं करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19 ये आप लोग को नहीं करना। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स इनोवेटिक फंक्शन है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को ग्राफ ऑफ इन्वर्स इनोवेटिक फंक्शन वाला नहीं करना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स इनोवेटरी फंक्शन नहीं करना है। मतलब ये चैप्टर काफी इजी हो चुका है, अगर ये दोनों टॉपिक को हटा दिया जाए तो अब इस चैप्टर में कुछ मतलब टफ वाला पार्ट रहा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 से 8 नहीं करना है, 10 से 13 नहीं करना है, एक्सरसाइज 2.2 छोड़ दिया गया कम्प्लीटली। मिसलिनियस में आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 से 17 नहीं करना है, तो काफी ज्यादा इजी बन गया ये चैप्टर। और ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो पूछा जाएगा वो 8 मार्क्स का आएगा आप लोग एग्जाम। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 8 मार्क्स आपके हाथ। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, 3rd एंड 4th। तो मैट्रिसेस में आप लोगों को क्या नहीं करना है, सबसे पहले वही टॉपिक मेंशन कर दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ये नहीं करना आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ऑपरेशन, वाओ, ये जो है सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों को मैंने कराया है सभी को ये जो पार्ट है काफी ज्यादा टफ लगता है, और गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है, तो मतलब काफी ज्यादा ये चैप्टर आसान हो गया है। प्रूफ भी हटा दिया गया है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स वाला,
ठीक है, एग्जाम्पल क्या नहीं करना है, 23 से 25 नहीं करना है, एक्सरसाइज 3.4 हटा दिया गया जो कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन वाला था, इनवर्स फाइंड आउट करना रहता था, वो कम्प्लीटली हटा दिया गया, काफी आसान हो गया चैप्टर नंबर 12। अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या बोला गया है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनर हटा दिया गया है, कंसिस्टेंसी हटा दिया है, इनकंसिस्टेंसी हटा दिया गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स हटा दिया गया है, ठीक है। एग्जांपल्स 6 से 16 नहीं करना है, 30 से 32 नहीं करना है, 34 नहीं करना है। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली हटा दिया गया है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था ये पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। 4.6 क्वेश्चन नंबर 1-6 हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब ये भी चैप्टर काफी ज्यादा आसान हो गया क्योंकि देखो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जो टफ पार्ट था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट 4.2, काफी बच्चों को परेशानी होती थी और ये हटा दिया गया, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया है, 11 से 15 हटा दिया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 टोटल 10 मार्क्स का आएगा, 1-8 मार्क्स का आ रहा था, 3 और 4 आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर नंबर 5 और 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर जो 5 है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसमें रॉलेज एंड लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया है विद जो प्रूफ था, और दियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हटा दिया गया, मतलब ये जो लास्ट एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर का वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है जो कि 5.8 है मेंशन है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो 42-43 नहीं करना है आपको, और बाकी सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, सिर्फ रॉलेज थ्योरम लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया। फिर आ जाओ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, रेट चेंजेस वाला जो पहला एक्सरसाइज था वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। फिर अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब 6.1 एंड 6.4 कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। एग्जाम्पल में आ जाओ तो 1-5 नहीं करना है, 21-25 नहीं करना है, 42-44 नहीं करना, 42-44 नहीं करना। मिसलिनियस में आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 19 आप लोगों को नहीं करना है। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 को अगर मिलाते हैं तो ये 17 मार्क्स का है, काफी ज्यादा मार्क्स कवर कर रहा है ये, तो इस दोनों चैप्टर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, कर नहीं करते। चलिए इसके बाद आते हैं टर्म वन का लास्ट चैप्टर में, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या रिमूव कर दिया गया है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड रीजन वाला, मतलब आप ये समझ लो कि जो वर्ड प्रॉब्लम आता था ना जो भारी भरकम दिखता था, 8-10 लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ था, बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते थे एग्जाम में, है ना, तो वो चीज को ही हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को काफी ज्यादा आसान कर दिया ये चैप्टर, आपको एग्जाम्पल 6-7, 6-8 नहीं करना है, 9-11 नहीं करना है, एक्सरसाइज 12.1 एक लौता एक्सरसाइज करना है, उसमें भी आपको 4-6-9 ये नहीं करना, एक्सरसाइज 12.2 कम्प्लीटली हटा दिया गया है, मिसलिनियस भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है, मतलब ये गिफ्ट है आप लोगों को सीबीएसई की तरफ से 5 मार्क्स का लीनियर प्रोग्राम। अगर आप करने बैठोगे ना तो ये चैप्टर जो है वो एक दिन का चैप्टर है, अच्छे तरीके से अगर करोगे तो एक दिन का चैप्टर है और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टर्म वन यहाँ पे कंप्लीट होता है, एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने जाएगा, और दूसरी बात ये जो एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। अब एमसीक्यू बेस्ड है तो ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठाया और एमसीक्यू बनाना स्टार्ट कर दिया है, सीबीएसई जो भी आपको गाइडलाइंस देगी आपको उनको फॉलो करना है, उनके अकॉर्डिंग उनके टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, तभी जाकर के अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। 40 मार्क्स का एग्जाम होना जाएगा, 90 मिनट्स का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं टर्म टू में, टर्म टू में क्या है, अब ये जो टर्म टू है ये है सब्जेक्टिव टाइप का, 2 घंटे का एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव होगा। अब इसमें क्या है ना कि केस बेस्ड आएंगे, सिचुएशन बेस्ड आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, बस यही कहूँगा आपको। सिलेबस एज पर द एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब देखिए आज ये चैप्टर नंबर 8, अब देखो चैप्टर नंबर 8 जब आप खोलोगे तो इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7, तो
अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो लीनियर प्रोग्रामिंग को उन्होंने टर्म वन में डाल दिया, तो जब लीनियर प्रोग्रामिंग को टर्म वन में डाल दिया तो मेरे सीरियल नंबर के हिसाब से लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 7 हो चुका है। ठीक है, अब बुक खोलोगे सर इंटीग्रल जो चैप्टर नंबर 7 था आपने सर गलत बता दिया, तो बच्चों सीरियल वाइज मैंने करा है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग को उन्होंने सेकेंड बुक से टर्म वन में डाल दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है यार, बस चैप्टर याद रखना। ठीक है, बस यही कहूंगा आपसे। अब यहाँ पे इंटीग्रल को मैंने चैप्टर नंबर 8 दे दिया क्योंकि सीरियल नंबर पे ये 8वां नंबर पे आ रहा है। ठीक है, चलिए इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये नहीं करते आपको। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल से लिमिट ऑफ अ सम ये हटा दिया गया। एक्चुअली क्या है ना कि अगर लिमिट एज अ सम जो था ये आप एक समझ लो कि बच्चों लोग के लिए मतलब कि मार्क्स गेनिंग भी था और जो बच्चों को समझ में नहीं आता तो काफी डिफिकल्ट भी लगता था, दोनों चीजें थी। अगर जिस बच्चों को ये समझ में आ गया तो फुल मार्क्स लाते थे इसमें, और जिस बच्चों को समझ में नहीं आता तो काफी ज्यादा टफ लगता था, तो सीबीएसई ने इसको हटा ही दिया है। तो अगर मैं मैक्सिमम बच्चों का ले जुड़ू तो उनके उनके लिए अच्छा ही है कि ये चीज हटा दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल 23, 25, 26 नहीं करना है। एक्सरसाइज आ जाओ, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3-8 और 11 नहीं करना है। 7.8 कंप्लीटली हटा दिया गया। ठीक है, मिसलिनियस में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं करना। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एक्चुअली क्या है कि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दिया बीच में, बट इंटीग्रल के बाद आप लोग का आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो देखिए वो यहाँ पे 10 पे लिखा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या नहीं करना, सॉरी क्या नहीं करना, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव शेडेड कर्व। अब देखो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मल वाला होता है ना, सर्कल का रीजन फाइंड आउट करना होता है, पैराबोला का होता है, वो सारी चीजें तो आएंगे आपके एग्जाम में। बट जो टिपिकल होता था ना कि एक सर्कल दे दिया, ये सर्कल आ गया, फिर बीच में एक लाइन दे दिया, फिर फाइंड आउट करना पड़ता था, वो सारी चीजें हटा दी गई है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको 6-10 नहीं करना है, 30-40 नहीं करना है, एक्सरसाइज 8.2 कम्प्लीटली इसीलिए हटा दिया गया, जो मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। मिसलिनियस 12, 18, 19 कम्प्लीटली हटा दिया गया। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो ऑर्डर इन डिग्री तो आएगा, काफी वही तो बेस है उसका। ठीक है, वो आएगा। फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, बट हाँ एक्सरसाइज जो आपका है 9.3 वो कम्प्लीटली हटा दिया गया। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आओगे ना, वो दो टाइप का होता था। ठीक है, तो एक टाइप तो रहने दिया सीबीएसई ने, एक टाइप ये हटा दिया गया, तो ये फॉर्मेट थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, ये हटा दिया गया। उसके बाद एग्जाम्पल 4-8 हटा दिया गया, 25-28 क्वेश्चन हटा दिए गए। मिसलिनियस में आ जाओ, 3-5-17 हटा दिया गया। ये तीनों जो चैप्टर है 8, 9, 10 मतलब इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये तीनों मिला के 18 मार्क्स का चैप्टर, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, सबसे ज्यादा वेटेज। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में क्या करना है आप लोगों को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करना है, हटा दिया गया है। काफी बच्चों को डिफिकल्टीज आती थी इसमें, सीबीएसई ने हटा दिया गया। सप्लीमेंट्री स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 18 हटा दिया गया। मतलब देखो वेक्टर अलजेब्रा से ज्यादा कोई रिमूव नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बस, और बाकी सारी चीजें आपको करनी है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप लोग क्या नहीं करना है, जो एंगल बिटवीन द लाइंस प्लेन, लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल, तो ये मतलब एक ही टॉपिक हटाया थ्री डायमेंशनल में, जो एंगल बिटवीन दो लाइन दो प्लेन, एक लाइन एक प्लेन के बीच में होता था, वो हटा दिया। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशनल, ये दोनों मिला के 14 मार्क्स का। ठीक है, लास्ट चैप्टर आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अकेले 8 मार्क्स का एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या हटा दिया गया है,
मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हटा दिया है, बार्नुलिस ट्रायल हटा दिया जो पिछले बार भी हटा दिया, तो वो इस बार भी अपने बात में कायम है, आप इसको भूल सकते हो लेकर, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 27 से 29 हटा दिया गया, 30 से 32 हटा दिया गया, 34 35 हटा दिया गया। एक्सरसाइज में आप आ जाओ 13.4 में क्वेश्चन नंबर 10 to 17 नहीं करना है और 13.5 कम्प्लीटली हटा दिया गया। मिसलिनियस में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 6 9 आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो हर एक चीज को मैंने आप लोगों को बारीकी से बताया है। अगर आपको ये पीडीएफ की जरूरत है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8130250913। आप इसमें व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है यार, पीडीएफ एक मैसेज डालना मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर सभी बच्चों को ये लगता है कि नहीं सर पहले मैं टर्म वन का तैयारी कर लेता हूँ फिर टर्म टू का आराम से करूंगा, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये इंटीग्रल है ना, जो इंटीग्रल उन्होंने टर्म टू में रखा है, ठीक है, अगर तुम अच्छे से करने जाओगे ना तो ये खुद में, ये जो इंटीग्रल वाला जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये खुद एक महीना ले लेगा। और देखो नवंबर दिसंबर में मान लो एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 2 से 3 महीने आप लोगों को मिलेंगे तैयारी करने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि 2 से 3 महीने में आप लोग ये सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, रिविजन नहीं कर पाओगे, अच्छे तरीके से कमांड नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी चैप्टर इन्होंने इधर रखा है, जैसे ये तीनों चैप्टर ले लो ना, ऊपर वाला इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन इंटीग्रल, बिना प्रैक्टिस के बिना रिविजन के नहीं कर पाए, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मिनिमम अगर टर्म वन दिसंबर में है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टर्म वन का ही आप चैप्टर करोगे, टर्म टू का भी कम से कम 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लें, जो बड़े बड़े जैसे इंटीग्रल कर लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा 3 डायमेंशन भी कर लेना, कम से कम इतना तो कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन इंटीग्रल तो मान लो एक एक एक्सरसाइज करना है आपको आसान तरीके से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में काफी चीजें हटा दिया गया, इसमें मान लो बेस थ्योरम वगैरह कर लोगे तो उसी से आने हैं, क्योंकि मीन वेरिएंस हटा दिया गया, बार्नुलिस ट्रायल हटा दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं वो भी बता दूंगा एक वीडियो सेपरेटली बता करके, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। बट जितना अभी मैंने बताया है कम से कम ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कर लेना, एनसीईआरटी बुक में टिक कर लेना या ये पीडीएफ सामने रखना जब भी पढ़ोगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करना है, ये एक्सरसाइज लीव कर देना है, ठीक है। अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, और फिर देखते हैं सीबीएसई अगर सैंपल पेपर रिलीज करती है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह आप लोग को मैं बना करके वीडियो सेंड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।